हमारी मुंह से गुस्से में से कभी क्रोध में से आया होगा। तो बालक था संगी ऋषि, उसके पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया था, तो उसने श्राप दिया कि ये जाकर के सांप, जो मरा हुआ सांप मेरे बाप के गले में मरा हुआ है, ये जिंदा हो जाए। जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद उसने कहा कि सांप, हाँ, कि जिस किसी ने मेरे बाप का अपमान किया उसको काट तो खा। बस वो खट चला गया सांप सनसनाता हुआ, और उसने परीक्षित को 7 दिन के भीतर टाइम दिया था, 7 दिन में खाई लिया उसको, सब बचाव के उपाय कर डाले, पर वो हुआ नहीं। ये किसे कहते हैं? ये ब्राह्मण की शक्ति कहते हैं। ब्राह्मण की वाणी इतनी पवित्र पुनीत होती है। ब्राह्मण की वाणी एक ऐसी तोप होती है, ऐसी तमंचा होता है, एक ऐसा होता है कि राजा दशरथ ने एक ब्याह कर लिया, दो ब्याह कर लिए, तीन ब्याह कर लिए, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हम तो विद्वान हैं, हवन करा देंगे। अरे गुरु वशिष्ठ बोले, अरे हम तो बावन हैं, पंडित हैं, और राजा का राज्य का हम धन खाते हैं, हम कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? ब्राह्मण तुझे लाना हो तो संगी ऋषि को लिवा के ला। उसका आहार और विहार और जीवन और क्रम इस तरह का है जैसे असली ब्राह्मण का होना चाहिए। बस राजा दशरथ गए, और राजा दशरथ ने जाकर के और वहाँ से, कहाँ से, सिंगी ऋषि को लोमस ऋषि की आज्ञा मान करके लाए, और उन्होंने हवन कराया था। उन्होंने हवन कराया था, वाणी से ये कहा, पहली रानी आई कि तेरे क्या हुआ, भगवान पैदा होगा तेरे। दूसरी आई कि तेरे क्या पैदा, कि मेरे कि तेरे भी भगवान पैदा होगा। दूसरी रानी थी वो खीर जो थी, वो उनने समझा कि इनकी 4 रानियाँ थी, वो 3 तो 400 में काट रखी थी। अखीरी तीसरी आई तो दोनों हिस्सों के खीर को मिला करके उनके एक की खीर को दे दिया। उनने कहा कि तेरे भी 2 भगवान होंगे। सुमित्रा के 2 हुए थे, एक का नाम शत्रुघ्न था और एक का नाम भरत था। उनको राम को राम को जब उनके कौशल्या को राम हुए थे, कह के भरत हुए थे, सुमित्रा के शत्रुघ्न और ये लक्ष्मण हुए थे। 4 बेटे हुए थे, ब्राह्मण की वाणी से निकल गया, बस वही हो जाएगा। उनने कहा तू ब्राह्मण बन जाना, बस ब्राह्मण होने के बाद तेरी सिद्धियाँ पीछे पीछे फिरेंगी, सिद्धियाँ तेरे पीछे पीछे फिरेंगी, काम धैर्य तेरे घर पर जाएगी और दूध पिलाया करेगी, धन्य हो जाएगा। मैंने सबसे पहले किताब जो लिखी है उसमें उसका नाम था गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु में, लेकिन फिर लोगों ने कहा करे साहब ये जात पात आप फैलाते हैं, और वो और ये बामन बनिया फैलाते हैं, और गवर्नमेंट के कारण कानून के विरुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण को ऊंचा बताते हैं औरों को नीचा बताते हैं। तो मैं समझा मैं कि लोगों की समझ में नहीं आया है, ब्राह्मण जन्म से पैदा नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से पैदा होता है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो फिर मैंने उसी किताब का पहला संस्करण तो बिक गया, दूसरा संस्करण जब छापा तो मैंने ब्राह्मण शब्द काट दिया, गायत्री काम है, बस ये छापा। और अब आपका ख्याल क्या है? अभी भी मेरा ये ख्याल है कि गायत्री ब्राह्मण की काम धैनु, ब्राह्मण की काम धैनु है। ब्राह्मण अगर है कोई व्यक्ति तो उसकी वाणी, ब्राह्मण की वाणी इतनी होती है कि जो कहते हैं कि उसके पैर छुओ या आशीर्वाद ले जाओ, उसका आशीर्वाद फलता और फूलता है, फलता और फूलता है। ये तो अब मालवीय जी की शिक्षा हो गई।